अभी हम लोग स्टडी करते हैं डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एजुकेशन एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। अगर मैं बात करती हूँ प्रोग्रेसिव एजुकेशन की या फिर ट्रेडिशनल जो आज तक यूज़ हो रही है दोनों एजुकेशन की, तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है और किन पैरामीटर्स को लेके हम चलते हैं जब हम दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे कि ट्रेडिशनल एंड प्रोग्रेसिव, यहाँ पर क्या है, स्कूल जो ट्रेडिशनल है, स्कूल यहाँ पर क्या है, इंस्टीट्यूशन फॉर प्रिपेयरिंग चिल्ड्रन फॉर लाइफ। मतलब स्कूल एक ऐसी जगह है कि बच्चे को प्रिपेयर किया जा रहा है आगे की ज़िंदगी के लिए, ठीक है, ये है ट्रेडिशनल, ठीक है। और प्रोग्रेसिव में एक स्कूल एक पार्ट ऑफ लाइफ है, बच्चे की ज़िंदगी का पार्ट है, सब कुछ वो नहीं है बट बच्चा बहुत सारी चीज़ों से सीखता है और स्कूल एक उसमें से एक है। सेकेंड है लर्नर्स एब्जॉर्ब इन्फॉर्मेशन एंड ओबे रूल्स। तो ट्रेडिशनल में क्या होता है, बच्चे कैसे करते हैं, इन्फॉर्मेशन समझते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और रूल्स को फॉलो करते हैं। और अब यहाँ पे प्रोग्रेसिव में क्या है, एक्टिवली पार्टिसिपेट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। यहाँ पे जो भी मतलब बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि इन्फॉर्मेशन समझी रूल फॉलो करे हो गया, नहीं, वो खुद पार्टिसिपेट करते हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में खुद करने की कोशिश करते हैं। थर्ड है पेरेंट्स ट्रीटेड एज आउटसाइडर्स, जो पेरेंट्स हैं उनको हम आउटसाइडर्स की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है, कि जो पेरेंट्स हैं वो क्या हैं, बाहर के हैं, उनको हम आउटसाइडर की तरह ट्रीट करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है कि कंसिडर्ड एज द प्राइमरी टीचर्स, यहाँ पे जो प्रोग्रेसिव है वहाँ पे बच्चों को मतलब पेरेंट्स को ऐसा लिया जाता है कि उनसे ही सबसे पहले वो सीखते हैं बच्चे, ऐसा नहीं है कि वो कोई बाहर की चीज़ है, ठीक है। फिर है सोसाइटी, अब सोसाइटी में क्या है, सोसाइटी अलग है स्कूल से, ठीक है, वो अलग ही पार्ट है, लेकिन प्रोग्रेसिव में सोसाइटी पार्ट है क्लासरूम का, क्योंकि बच्चे जितना क्लासरूम में सीख रही हैं उतने बच्चा सोसाइटी में अपने आसपास वालों से सीख रहे हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करने का। नॉलेज के बेसिस पे बात करें तो ट्रेडिशनल में बच्चों को लेक्चर्स दिए जाते हैं, उनको असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, लेकिन अगर मैं प्रोग्रेसिव की बात करूं तो मैं यहां पे क्या करती हूं, मैं डायरेक्ट एक्सपीरियंस कंस्ट्रक्ट करती हूं, ठीक है, मैं बच्चों को एक्सपीरियंस के थ्रू बच्चे सीखते हैं, उनको सोशल इंटरेक्शन के थ्रू वो सीखते हैं। तो यहां बेसिक एक असाइनमेंट चीज़ फॉलो नहीं हो रही है, यहाँ पे बच्चे प्रॉपर सीख रहे हैं किसके थ्रू, प्रॉपर एक्सपीरियंस एंड इंट्रैक्शन के थ्रू। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है बिटवीन ट्रेडिशनल एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव में बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें आप एक्सपीरियंशियल लर्निंग, आप खुद से प्रॉब्लम सॉल्विंग, आप खुद से चीज़ें कर रहे हो, लेकिन ट्रेडिशनल में आप क्या कर रहे हो, आप एक क्लासरूम मेथड को फॉलो कर रहे हो, आप सीख रहे हो, टीचर से बोल रहे हो, आप सुन रहे हो। तो ये और उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हम लेके चलते हैं जिसके थ्रू हम इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये था डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एजुकेशन एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन।